हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में अपने फैमिली परिवार के साथ खुश होंगे। बेगूसराय ब्रांड चैनल में आप लोग का स्वागत है। फिर एक मैं आप लोग को एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा नहीं है, बस वीडियो में बने रहिएगा 3 से 4 मिनट तक, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मैं आप लोग से बस एक सवाल करना चाहता हूँ, उस सवाल का मेरे को जवाब चाहिए कमेंट में, आप लोग ज़रूर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से किसी को तकलीफ़ है तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं, इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं, अगर किसी इंसान को तकलीफ़ है तो। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा अभी फ़िलहाल 9 महीना वनवास कहिए या जेल कहिए, कोई सा भी मैटर है, 9 महीना वनवास काट के जेल काट के आए हैं। मैं उन लोग का नाम आपको तो बताने से थोड़ा अच्छा फीलिंग होता है दिल में, जो कर्नाटका की तमिलनाडु साइड में ये झमेला हुआ था मजदूरों को लेके, उसी मैटर में मनीष कश्यप, न्यूज रिपोर्टर मनीष कश्यप, आप लोग तो जानते ही हैं। तो मनीष कश्यप का 9 महीना के बाद बिहार में आगमन हुआ और वो जेल से निकल चुके हैं। जितने भी विपक्षी दल हैं उनको क्रोध हुआ है, जितने भी उनको अनफेवर में आदमी है वो उनको दिक्कत हो रहा है। मैं उन सब मनीष कश्यप को दिल से सैल्यूट मारना चाहता हूँ, भले वो कितना भी खराब हो या कितना भी अच्छा हो, वो चलते हैं तो अपने सीधे राह पे चलते हैं। झूठ का बढ़ावा मनीष कश्यप अभी तक नहीं दिया है, झूठ का बढ़ावा मनीष कश्यप अभी तक नहीं दिया है। आप लोग जान रहे हैं उस चीज को, मैटर को समझ रहे हैं आप लोग, और समझने के बाद अभी डिमांड है, हमारे बिहार में चुनाव आने वाला है, बिहार में हमारा सीएम का चुनाव आने वाला है, जिनके विपक्षी दल में बीजेपी भी है, कांग्रेस के विपक्षी दल में कांग्रेस बीजेपी का भी टक्कर होगा। तो जितना युवा है और जितने उनको फेवर चाहने वाले हैं, हर एक इंसान का डिमांड है कि अब की बार सीएम मनीष कश्यप, राइट है? मेरे तरफ से पूरा उनका जोर रहेगा, मेरे तरफ से भी पूरा वोट मनीष कश्यप को रहेगा पूरा, मेरे से जहां तक बनेगा वहां तक मनीष कश्यप को वोट ही जाएगा, मनीष कश्यप को देगा वोट। तो दोस्तों, आप लोग को मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो अपने आप को वो साबित करता है कि मैं गलत नहीं हूं, सब गलत है और सब सही है, बस फर्क होता है कि आप डेली कोई एक समान नहीं खा सकते हैं, डेली आप एक समान अपने जीवन में नहीं खा सकते हैं। अगर आपको चेंज करके कुछ ना कुछ खाते, आज सब्जी खाते तो कल दाल खाते, तो परसों मुर्गा खाते, कभी मच्छी खाते हैं। तो मैं आप लोग से यही बताना चाहता हूं, बहुत दिन आपने बीजेपी को देखा, बहुत दिन आपने कांग्रेस को देखा, बहुत दिन आपने सब कुछ को देखा, आप एक बार मनीष कश्यप को देख लीजिए उठ के, आप लोग एक बार मनीष कश्यप को देखिए। और जितने युवा है उनसे एक छोटी सी विनती है और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मनीष कश्यप के फेवर में जो हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अब की बार चयन करिए सीएम मनीष कश्यप, अब की बार सीएम मनीष कश्यप। अगर कोई इंटरव्यू में कड़वा सवाल पूछता है तो बहुत आदमी को तकलीफ होता है, पुल के बारे में पूछ देता है, वो अगर पुल गिर गया तो मनीष कश्यप को देशद्रोही एनएसए लगा दिया, जेल से निकला है ना भाई, जेल से निकला है, एनएसए लगा दिया था, 9 महीना बेचारा जेल में रहे, जेल में रहने के बाद अभी छूटे हैं 9 महीना के बाद। तो मनीष कश्यप भैया, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार,
ये मेरे ट्रेंडिंग स्टार पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल है, पावर स्टार पवन सिंह है। उनका एक छोटा सा डायलॉग है, आप जिस काम पे और जिस मौकाम पे निकले हुए मनीष भैया, आप अपना काम जारी रखिए, आपके पीछे पूरा बिहार का जनता है, आप को अब की बार आना है सीएम पोस्ट में, ये चयन है। मैं फुल पावर से कहता हूं, सपोर्ट कर रहा हूं मनीष कश्यप को। कोई भी अंकल चाचा चाची कोई भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, एक बार चेंज करके देख लीजिए, एक बार चेंज भी कर लीजिए। और चेंज करने का सबसे बड़ा मुद्दा है मजदूरों के लिए, पूरे बिहार का मजदूर जाता है हर एक देश में खटने के लिए, पूरा बिहार का मजदूर पूरा इंडिया खटता है, इंडिया से बाहर गल्फ कंट्री में खटता है, विदेश में खटता है, कहाँ नहीं खटता है, बिहार में कोई सा रोजगार नहीं है, ये रियल है। बिहार में कोई सा भी रोजगार नहीं, चाहे कोई भी सरकार आ रहा बोल के चला जा रहा है, वोट मांगने के टाइम में आता है बोल के चला जाता है। भाई आप सबको इस्तेमाल किए ना, मौका दिए ना, अब एक बार इनको मौका दे के देखिए, अब एक बार आप लोग जो है ना मौका दीजिए मनीष कश्यप को, अब की बार मनीष कश्यप को लाइए बिहार में। और बहुत ऐसे स्टार हैं, गाना भी गाए उन पे, बहुत ऐसे कलाकार हैं उन पे अच्छा अच्छा गाना निकाले, मेरे शिवेश भैया का भी गाना आया हुआ है, इससे पहले भी शिवेश भैया गाया था गाना, और जब आने के बाद भी गाए हैं। बस थोड़ा सा मेरे दिल में यही दुख था, शिवेश भैया के शादी में अगर मनीष भैया का जेल से छूट जाते तो कुछ और अच्छा होता हम लोग के लिए, पूरे समाज के लिए कुछ अच्छा और देखने के लिए मिलता आप लोग को। तो दोस्तों आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलत लगा है या अच्छा लगा है तो कमेंट करें, शेयर करें, गलत लगा तो इग्नोर करें।